हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर खदीजा वसीम, और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि यूएसए की कोई करेंसी लिस्ट है, और जिसमें उसने इंडिया को उस लिस्ट से रिमूव कर दिया, लेकिन चाइना अभी भी उस लिस्ट में है। तो हालांकि यूएसए और चाइना के रिलेशन्स तो आपस में बड़े ख़राब हैं, लेकिन चाइना इस लिस्ट में है, लेकिन इंडिया को क्यों रिमूव कर दिया गया? और ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इसके हवाले से जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो भी फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो पहले वीडियो को देखते हैं और फिर वीडियो के ऊपर हम एनालिसिस पेश करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ साथ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। कौन चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, नहीं वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत नवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, ये न्यूज काफी डिस्कस करी गई है कि यूएसए ने अचानक से भारत को हटा दिया है करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट से। यहां पर आप देख पाओगे यूएस ट्रेजरी रिमूव्स इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये डेवलपमेंट एक ऐसे टाइम में हुई है जब यूएस ट्रेजरी की जो सेक्रेटरी है जैनेट येलन, ये आज के समय आई है भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। ये आप कह लीजिए यूएसए की वित्त मंत्री है। यूएसए में वैसे कोई पोस्ट नहीं होती फाइनेंस मिनिस्टर की, मगर आप कह सकते हैं कि जो रोल इंडिया में एक वित्त मंत्री निभाता है वही रोल यूएसए में निभाती है जैनेट येलन। तो ये इंडिया में आई, निर्मला सीतारमन जी जो भारत की वित्त मंत्री है इनसे मिली, दोनों कंट्रीज की जो इकोनॉमी है, दोनों कंट्रीज की जो एक्सपोर्ट्स है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करी, और पीछे चुपचाप यूएसए से न्यूज आती है कि इंडिया को हटा दिया गया है करेंसी मॉनिटरिंग की लिस्ट से, मगर चाइना अभी भी इस लिस्ट में बरकरार है। और तो और जैनेट येलन भारत में आकर ये भी कहती है ओपनली कि भारत को जितना मर्जी रशिया से तेल परचेज करना है परचेज कर सकता है भारत, भारत पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा। यूएसए की आप अगर भाषा देखोगे ना तो पिछले कुछ महीनों में काफी बदली है। आप सबको याद होगा एक टाइम पर ना जो बाइडेन ने यह स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया का जो स्टांस है रशिया को लेकर ये थोड़ा सा कमजोर है। यूएसए के प्रेसिडेंट ने कुछ महीनों पहले ये लाइन यूज करी थी कि इंडिया हैज बीन एक्सेप्शनली वीक इन डीलिंग विद पुतिन्स अग्रेशन, बट जापान हैज बीन वेरी टफ, सो हैज बीन ऑस्ट्रेलिया। तब से लेकर अब तक आप अगर देखोगे तो यूएसए अब खुल के कह रहा है जयशंकर साहब की स्टेटमेंट्स के बाद कि बिल्कुल हम इंडिया का स्टांस समझते हैं और इंडिया जितना मर्जी रशियन ऑयल परचेज करना चाहे कर सकता है। और यहां पर इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि यूएसए को तो इस बात की खुशी है कि ऐसे समीकरण बन गए जहां पर रशिया को सस्ते रेट पर ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ा इंडिया को, और इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस मार्केट में बच गए। तो ये मैं कहूंगा अगर आप अपना स्टांस बरकरार रखते हो, इंडिया ने अपना स्टांस क्लियरली यूएसए को बताया बिना किसी एरोगेंस, बिना किसी एग्रेशन के एक बहुत ही रैशनल बात करी, तो यूएसए ने भी उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट किया है। मगर यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा कि यूएसए की जो ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है इसका मतलब क्या होता है और भारत को यहां से हटाया क्यों गया है। देखिए यूएसए का आज के समय सबसे बड़ा डर यह है कि यूएसए के साथ जब बाकी देश व्यापार करते हैं तब ये यूएस इकोनॉमी का गलत फायदा ना उठा ले। गलत फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखो जब आप कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो आप ये चाहोगे कि आपकी करेंसी ना थोड़ी सी गिर जाए, इससे आपको एडवांटेज ये मिलता है कि जो आपके एक्सपोर्टर है ना उनको और ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और जब आप कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे हो, खरीद रहे हो, तब आप ये चाहोगे कि आपकी करेंसी थोड़ी सी मजबूत हो जाए, इससे आपके देश में जो बायर कंपनी है या फिर बायर कंज्यूमर है उसको फायदा होगा। तो यूएस काफी बार ये कह चुका है कि दुनिया में कई देश है वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं, वो अपनी करेंसी को गिरा देंगे, उड़ा देंगे बिल्कुल सही टाइम पर, जैसे ही यूएसए के साथ ट्रेड करते वक्त उनकी शिपमेंट्स आने वाली है या फिर एक्सपोर्ट को जाने वाली है तो उसके हिसाब से अपनी करेंसी को करते हैं वो लोग मैनिपुलेट। और इसी बात को रोकने के लिए यूएसए ने 1988 एक्ट के अंडर एक करेंसी मैनिपुलेटिंग वॉच लिस्ट बना दी थी। इस लिस्ट में यूएस उन कंट्रीज को डाल देता है जिनको यूएस मानता है कि ये देश गलत तरीके से यूएसए के साथ ट्रेड कर रहे हैं और यूएसए की इकोनॉमी का फायदा उठा रहे हैं। अब यहां पर आप पूछोगे कि क्या यूएसए ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया था? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था 2021 में। 2021 का यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, यहां पर लिखा है कि यूएस पुट्स इंडिया ऑन करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। यूएसए की एक वॉच लिस्ट है जहां पर यूएस कहता है कि यहां पे आप अगर आ गए
तो अब हम वहां पर निगरानी रखेंगे और देखेंगे कि क्या जेन्युइनली आपकी करेंसी अपने आप गिरती है या अपने आप उठती है, या कहीं ना कहीं आप सोना बेचकर या फिर अपनी करेंसी परचेज करके सेल करके मैनिपुलेट कर रहे हो अपनी मुद्रा को, ताकि यूएसए के साथ ट्रेड करके आपको जरा फायदा हो जाए। तो इंडिया को बिल्कुल 2021 में यूएसए ने इस वॉचलिस्ट में डाला था। चाइना को मैं आपको बता दूं 2019 में यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था ट्रंप के अंडर। ट्रंप ने आपको बताया होगा एक पूरी ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी थी विद चाइना। ट्रंप के टाइम में यूएसए ने ऑफिशियली लेबल कर दिया था चाइना को एज ए करेंसी मैनिपुलेटर, और उसके अंडर थोड़े बहुत सैंक्शंस भी लगाए गए थे चाइना पर। इंडिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगाए गए क्योंकि इंडिया को यूएसए ने रिसेंट टाइम्स में करेंसी मैनिपुलेटर घोषित नहीं किया है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जो बाइडेन के आते आते यूएसए ने अपना स्टांस रिवर्स कर दिया और चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर की जो लिस्ट है इससे बिल्कुल हटा दिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में इंडिया और चाइना दोनों वॉच लिस्ट में थे, मॉनिटरिंग लिस्ट में थे, जहां पर यह कहा यूएसए ने कि हम बिल्कुल निगरानी रखेंगे दोनों देशों पर कि अगर ये कुछ मैनिपुलेशन करते हैं तो इमीडिएटली इसके बाद दोनों देशों को हो सकता है कि डिक्लेयर कर दिया जाए करेंसी मैनिपुलेटर। मगर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ये जो लिस्ट यहां पर आप देख रहे हो, जहां पर इटली, आयरलैंड, जर्मनी, मैक्सिको, जी हाँ, ये सारे देश आपको यूएसए में करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में मिलेंगे। तो ये जो लिस्ट है ना, इनमें से रिसेंटली 5 देश हटाए गए हैं। एक तो हो गया हमारा प्यारा भारत, उसके अलावा इटली, उसके अलावा मैक्सिको, फिर वियतनाम और थाईलैंड। तो यहां पे आप देखोगे इटली है, उसके अलावा थाईलैंड, वियतनाम और मैक्सिको, ये सब देश अब ये मॉनिटरिंग लिस्ट से हट चुके हैं। मतलब के अब इंडिया का चांस बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है एक करेंसी मैनिपुलेटर बनने का। चाइना के ऊपर अभी भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है कि आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि यूएस फिर से चाइना को डिक्लेयर कर दे एक करेंसी मैनिपुलेटर, क्योंकि चाइना जेन्युइनली अपनी करेंसी को बुरी तरीके से मैनिपुलेट करता है। ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, इसके बारे में कई इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि चाइना काफी बार युआन की वैल्यू गिरा देता है, उठा देता है, ताकि इनको लगातार यूएस के साथ ट्रेड करने में फायदा हो। और अब यहां पर आप पूछोगे कि मगर यूएसए ने कुछ रीजन तो दिया होगा कि इंडिया को मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया क्यों गया है। तो देखो, यूएसए ने कहा कि इनके 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं, उसके हिसाब से तय करते हैं कि एक देश को लिस्ट में ये डालेंगे नहीं डालेंगे। पहला क्राइटेरिया ये है कि जो बायलैटरल ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ व्यापार करके, उस देश को अगर सरप्लस $15 बिलियन से ऊपर हो रहा है तो बिल्कुल इस कंट्री को लिस्ट में डाल सकते हैं। इंडिया वैसे यहां पर फंस गया था, ये जो पहला पॉइंट है ना, इंडिया में फिट बैठता है, क्योंकि भारत और यूएस जब ट्रेड करते हैं आपस में तब भारत को बहुत ज्यादा फायदा होता है। पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस था $32.8 बिलियन। यूएस उन रेयर मेजर कंट्रीज में से है जिसके साथ हम ट्रेड करके बहुत सारी विदेशी मुद्रा कमा लेते हैं। तो यहां पे इंडिया को हिट लग गया। मगर बाकी जो पॉइंट्स थे कि जी आप 3% जो है जीडीपी की उसका करंट अकाउंट सरप्लस आप मटेरियल के रूप में रखते हो, या फिर जो आपकी नेट परचेजेस है ये 2% होनी चाहिए इकोनॉमी की, यहां पर इंडिया बच गया। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इंडिया पे फिट नहीं होते, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इंडिया को लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब ये तो वैसे मैंने आपको बता दिया ऑफिशियल रीजन जो यूएसए ने ऑन पेपर बताया है कि इस वजह से हमने रिमूव किया है भारत को इस लिस्ट से, मगर एक है अनऑफिशियल रीजन भी। अनऑफिशियल रीजन यहां पर ये है कि बहुत ही जल्द इंडोनेशिया में आपको बता होगा G20 समिट होगा इस बार, और इस G20 समिट में पीएम मोदी जा रहे हैं, जो बाइडेन जा रहे हैं, तो दोनों यहां पर मिलेंगे। और रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया यूएस रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, बिल्कुल चाहे पाकिस्तान के F-16 का इश्यू हो या फिर यूएसए की तरफ से बीच में कुछ अजीब सी स्टेटमेंट्स आई थी रिगार्डिंग इंडिया, रिगार्डिंग रशिया। तो नीड यह है कि दोनों देश जो भी पास्ट में हुआ है उसको भुलाकर आगे बढ़े। तो उसके लिए मैं कहूंगा यूएसए ने एक ग्राउंड वर्क तैयार किया है कि देखिए इंडिया को हमने इस करेंसी मॉनिटरिंग की जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट से हटा दिया। इवन दो इस लिस्ट में आप बाकी देश देखोगे तो जर्मनी, जापान जैसे देश, साउथ कोरिया जैसे देश आज भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। तो इससे अभी के लिए दो बातें साबित हो जाती है कि यूएस समझ चुका है कि भारत की जो इंपॉर्टेंस है इसको ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि भारत एक जेन्युइनली फेयर कंट्री है। देखिए मैं आपको ये कहूंगा,
जिंदगी में हो सकता है कोई आदमी आगे निकल जाए, कोई आदमी पीछे चला जाए, मगर आप फेयर तरीके से, सही तरीके से आगे बढ़ते हैं तो वो भी अपने आप में आपके लिए एक प्राइड की बात है। इंडिया ने कभी भी गलत तरीके से अपनी करेंसी को मैनिपुलेट नहीं किया, हमने व्यापार भी किया है तो भी असूलों के साथ, एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ। हमने चाइना की तरह बिल्कुल आप कह लीजिए कहीं से भी ग्रोथ आ जाए बस आगे ग्रो करो, वो वाली अप्रोच नहीं रखी। एंड दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि हम लोग प्रिंसिपल्स और मोरल्स के साथ आगे बढ़े हैं, वी आर नॉट करेंसी मैनिपुलेटर्स लाइक चाइना। और हाँ, आप लोगों के लिए एक ये बात तो खदीजा मैं मानता हूँ कि चाइना की जो करेंसी है ना उसमें अप्स एंड डाउन अक्सर वक्त आते रहते हैं और वो आर्टिफिशियली तौर पे होते हैं, क्योंकि इस वक्त क्योंकि दुनिया में जो है वो एक सुपर पावर है यूएस, और यूएस डॉलर जो है वो ही एक इकोनॉमिक ट्रेड के लिए जो है इस्तेमाल होता है। और जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपने जो इंटरनेशनली तौर पे एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया तो उसमें जो आप कह लें कि जो भी चीज़ करेंसी यूज़ होती है वो यूएस डॉलर होती है। तो फिर इस वजह से यूएस ने ये लिस्ट बना रखी है कि जब उसे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो जानबूझ के करेंसी की वैल्यू कम कर देते हैं और करेंसी की वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि देखो, इंडिया जैसा मुल्क, मैं बार 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 एक चीज़ तो आ रहा हूँ कि आजकल इंडिया भाई पकड़ा ही नहीं दे रहा, इंडिया बहुत आगे जाने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो भी यहाँ पे इंडियंस हैं ना, ये आने वाले वक्त में ये अभी भी प्राउड के साथ कहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये इंडिया को एक डेवलपिंग नेशन के बजाय एक डेवलप्ड नेशन ज़रूर कहेंगे। और देखो, बात यह है कि इंडिया की ट्रेड में आप अगर उसकी देखें IMF की लिस्ट देखें तो फिर इंडिया बहुत आगे जा रहा है। वैसे इंडिया उनकी नेशनल स्ट्रेटेजिक की जो रिव्यू है उसके अंदर भी फ्रांस के साथ बहुत आगे है, US के साथ है। और दूसरा ठीक है, USA इंडिया के तल्लुक शायद पाकिस्तान की वजह से F-16 डील की वजह से ख़राब भी हुए थे, लेकिन अब जो है वो दोबारा जिस तरह कहा गया ग्राउंड सेट हो रही है। और ये अगर ये ना भी हो फिर भी इंडिया के अंदर भी जो करेंसी की मैनिपुलेशन है वो मुझे नहीं लगता है। हाँ, जिस तरह एक वक्त में ये मैनिपुलेशन थी जब ये जब नोटबंदी का सिलसिला आया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा हद तक ब्लैक मनी कर रखी थी और फिर ब्लैक को वाइट करने की कोशिश में, तो वो फिर PM मोदी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि उन्होंने 5,000 वाले नोट ही बंद कर दिए, छोटे मतलब बड़े जितने भी नोट्स वो बंद कर दिए। जब वो बड़े बंद कर दिए तो ऑब्वियसली बात है जिनके पास स्टोर था तो एक कैपेसिटी के अंदर आप करवा सकते, तो ऑब्वियसली बात है कि उस वक्त की जो मैनिपुलेशन थी करेंसी की वो बहुत ज्यादा हद तक जो है वो कम होगी, और उसके लिए इंडिया ने स्टेप्स भी लिए थे। आप इस बारे में क्या शामिल करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि जो इनका प्यारा सा भारत है ना, ये इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिविटी, मतलब ना उन्होंने एक तो गोल सेट किया है। मैं कहती हूँ कि मैं किसी मुल्क का गोल नहीं है तो वो तो कुछ भी नहीं है, तो हर इंसान की जिंदगी के लिए भी है। हाँ। आपका गोल नहीं है तो आप क्या तरक्की करोगे? हाँ। आज पाकिस्तान क्यों पीछे है? क्योंकि पाकिस्तान का कोई गोल नहीं है। और आज इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उसने अपना गोल बहुत पहले से सेट किया हुआ है और गोल को अचीव करने में काफ़ी टाइम लगता है जो उसको लग रहा है, और ऑब्वियसली वो आपका पॉजिटिविटी की तरफ ही एक आपके कदम चल रहे होते हैं। और जहाँ तक बात है इंडिया की, है तो पॉइंट टू पॉइंट ना कि कभी इंडिया को इतना मतलब कर्ज नहीं है उसके ऊपर इतना ज़्यादा जितना पाकिस्तान के ऊपर है, ऐसी लिस्ट से वो बाहर है ना, उनके ऊपर कभी एलिगेशन लगाई जाती है कि आप तो हैं ही ऐसे, आप जैसे पाकिस्तानी के ऊपर एलिगेशन लगाई जाते हैं, आप तो हैं टेररिस्ट, टाइटल्स दिए जाते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के टैग्स के साथ एसोसिएट हो चुके हैं। और यही वजह है कि वह हमारे यहाँ जो है उस हवाले से वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। और वो क्यों नहीं होती हैं कि हम अपने ही बहुत से मसलों में उलझे हुए हैं, हम इन मसलों को ओन ही नहीं करते, और जहाँ करने की कोशिश करते हैं वो वहाँ पे भी हमारे कुछ ना कुछ अपने मफादात अपने मोटिव जो है वो नज़र आते हैं। तो इसी वजह से फिर हम भी जो है बहुत ज़्यादा हद तक जो है इस दौड़ से ही बाहर हो चुके हैं, हमारा उसमें कह लें कि अब अमल दखल ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान को की करेंसी तो वक्त के साथ नीचे जाती ही जा रही है, उसमें कोई मैनिपुलेशन वाला तो सिलसिला है नहीं, वो जा ही रही है, वो नेचुरली तौर पर जा रही है, वो रियलिस्टिक है, उसमें मैनिपुलेशन वाला तो कुछ है नहीं। यानी वो मुझे कांग्रेचुलेशन हम जरूर कहेंगे इंडिया को इसके लिए, उसके हमेशा हर स्टेप के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट्स लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आईडी मेंशन फॉलो कर सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबान रख दें। अल्लाह।